अक्सर सांप का नाम सुनते ही लोगों की कंपनी छूट जाती है। सांपों की प्रजाति में से एक सास केल वाइपर इतना जहरीला सांप होता है कि इसके काटने के बाद सही समय पर उपचार न मिले तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। चूरू जिले में इन दिनों इस जहरीले सांप का आतंक बना हुआ है। हर सप्ताह करीबन 3 से 4 मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, लोग काटने के बाद अक्सर डर व अज्ञानता के चलते इन्हें मार भी देते हैं। गांव चिमनपुरा निवासी 7 वर्षीय मासूम को भी सांप के काटने का मामला सामने आया है, जहां परिजन मासूम के साथ ही काटने वाले जहरीले सांप को भी मारकर जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचे, जिससे एक बार की अस्पताल स्टाफ में भी हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि चिमनपुरा निवासी 7 वर्षीय मोनिका घर पर ही खेल रही थी कि इसी दरमियान सांप ने उसे काट लिया। मासूम को जहरीले सांप के काटने के बाद परिजनों के एक बार की होश उड़ गई और मासूम को संभालने के बाद परिजनों ने रेस्क्यू कर पहले काटने वाले सांप को पकड़कर मारा और फिर अस्पताल साथ लेकर पहुंचे। मोनिका आया खेल रही सांप का जो पकड़ के बोतल में घर की ले आयो खेल रही अबा यस टॉकिंग चिमनपुरा तू है मुन्यू कौन करो कौन से सांप का है रात में तो से सांप तो डॉक्टर देखे जे कारण जाए